खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो में शुरू हुए ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। कहा, खिलाड़ियों को प्रदान की गई हर संभव सुविधाएं। प्रदेश में शुरू हुए छठे से आठवीं तक की कक्षाएं, विद्यालयों में कोरोना के मानक नियमों का किया जा रहा है पालन। विद्यार्थियों ने भी स्कूल खुलने का किया स्वागत। दादरी जिले के 30 गांवों में शत प्रतिशत कोरोना टीकाकरण के मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने के लिए अब 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं किसान। कृषि विभाग कर रहा है किसानों को जागरूक। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। जापान के टोक्यो में शुरू हुए 32वें ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उनके साथ पूर्व खिलाड़ियों और विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया और भारतीय दल का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार ने खेलों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए काम किया है। साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री ने चीयर फॉर इंडिया कैंपेन के तहत ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। देश की निगाहें हैं, आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 127 एथलीट्स का हमारा इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगा। सरकार की तरफ से माननीय मोदी जी के निर्देश पर किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई। वी हैव प्रोवाइडेड एंड टू एंड सपोर्ट, फुली वैक्सीनेशन टू एवरी एथलीट। और उसके साथ साथ देखा जाए जो टॉप स्कीम है उसका सोच ही ये थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, कि किस तरह से अपने एलीट एथलीट्स जो हैं उनको मौका दिया जाए बेस्ट कोचिंग का, बेस्ट एक्सपोजर का, और जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं तो भारत के लिए मेडल जीत कर लाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे एथलीट्स को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि पूरे देश की आशाएं और प्रार्थनाएं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के साथ हैं। मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। चीयर फॉर इंडिया। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पदभार ग्रहण करने के बाद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पहली शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल ने राष्ट्रपति से प्रदेश के विकास के साथ जन कल्याण की योजनाओं पर चर्चा की। राज्यपाल ने इस मुलाकात में प्रदेश में संचालित की जा रही विकासकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, कृषि विकास और किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरियाणा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर 11 फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में कृषि के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद रोहतक जिले के विद्यालयों में आज से छठी से आठवीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि पहले दिन विद्यार्थियों की संख्या कम रही। सरकार के निर्देशों के अनुसार विद्यालय में प्रवेश द्वार पर विद्यार्थियों के तापमान की जांच कर उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया गया, फिर उन्हें कक्षा में प्रवेश दिया गया। इसके अलावा विद्यार्थियों के अभिभावकों से सहमति पत्र भी लिया गया है। प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय में कोरोना के सभी मानक नियमों का पालन किया जा रहा है। 60% बच्चे आए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है और बच्चों के अंदर भी एक जोश है पढ़ने के लिए। ऑनलाइन जैसे सभी बच्चे नहीं कर पाते थे तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चे भी पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हैं, सब मास्क में, और हमने स्कूल में भी उनको अच्छे से समझा दिया है कि भाई एक दूसरे से प्रॉपर दूरी मेंटेन करके रखनी है। सभी को सैनिटाइज कर दिया है, सभी का टेम्परेचर नोट कर लिया है, एक रजिस्टर लगाया हुआ है, रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, उसमें सभी का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। और सभी बच्चों को बता दिया गया है कि स्टेशनरी वगैरह, आपकी जो कॉपी किताबें हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी है, खाना वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करना, बच्चों को इकट्ठे होकर नहीं बैठना, ग्रुप में नहीं बैठना, क्लास में भी एक प्रॉपर दूरी मेंटेन करके बैठना।
तीन महीने के बाद स्कूल खोलने पर विद्यार्थियों ने काफी खुशी दिखाई दी। विद्यार्थियों ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से कई बार तकनीकी समस्याएं आती थी जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब स्कूल खुलने से उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सकेगी। आज हमारे स्कूल बहुत दिनों में खुले हैं। वैसे तो क्लास ऑनलाइन चलती थी लेकिन इतना अच्छा जरा सिलेबस नहीं होता था, लेकिन हम टीचर के सामने से पढ़ते हैं उसका और ऑनलाइन का ज़्यादा ही फर्क है। वो समझ में आता नहीं किसके पास फ़ोन है किसी के पास नहीं है, तो इसलिए इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को नहीं होता था। स्कूल खुले हैं, हम टीचर से आराम से पढ़ते हैं, अच्छी तरह समझ आता है और हमारे भगवान से ये प्रार्थना है कि स्कूल ऐसे ही खुलते रहे। अब आते ही हमें हमारे हाथ सैनिटाइज करे, हमारा टेम्परेचर चेक करा। मैं घर से निकला तो मास्क लगा के घर पे आया। आज बहुत ही कम बच्चे आए स्कूल। स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन में दादरी जिले की वैक्सीनेशन ड्राइव पर चर्चा हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दादरी जिले पर विशेष केस स्टडी तैयार की जा रही है। जिले के 30 गांव में 100% पात्र लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी 15 दिनों में दादरी जिले में 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष मार ने बताया कि गांव गोविंदपुरा में 100% पात्र लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य पूरा होने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी रिपोर्ट मांगी थी। जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु के 3,30,000 लोग हैं। अब तक 3,11,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से पुनः सत्यापन भी करवाया जा रहा है ताकि जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से वंचित न रहे। चरखी दादरी जिले में वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी उत्साह है सभी ग्रामीणों में व हेल्थ केयर वर्कर में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि दादरी जिले की जो जनसंख्या है वो लगभग 5,40,000 के लगभग है और 18 वर्ष से ऊपर लगभग 3,30,000 लोग हैं। तो वैक्सीनेशन की बात करी जाए तो हमने इसमें से 3,11,000 के लगभग वैक्सीनेशन पूरा भी कर लिया है और बहुत ही अच्छी तीव्र गति से हमारा वैक्सीनेशन जो है वो जारी है और सभी हेल्थ केयर वर्कर सभी प्रशासन के सहयोग से वैक्सीनेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले 10-15 दिन में ही हम चरखी दादरी में 100% वैक्सीनेशन जो है वो जल्दी ही पूरा कर लेंगे। सब आम जनता की बात करी जाए तो उसमें लगभग 30 गांव हमारे ऐसे हैं जो 18 वर्ष से ऊपर सभी अडल्ट व्यक्ति का वैक्सीनेशन किया जा चुका है 100% और जल्दी ही हम बाकी बचे हुए गाँवों में भी 100% वैक्सीनेशन पूरा कर लेंगे। टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने बताया कि टीका लगाने के बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं हुई। टीकाकरण से ही इस महामारी को नियंत्रित किया जा सकता है। वैक्सीनेशन को लेकर अच्छा अनुभव रहा मेरा। जो सरकार ने वैक्सीनेशन की स्कीम लगा रखी है उसको लगवाने के बाद आदमी निश्चिंत होकर घूम सकता है और किसी भी प्रकार का कोई भी इसका दुष्परिणाम नहीं है। तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी जाके सब वैक्सीन लगवाएं। मैंने भी अभी गवर्नमेंट द्वारा कोरोना वैक्सीन लगवाई है जिससे कि कोई नुकसानदायक नहीं है। हमारे क्षेत्र में भी 100% सभी ने वैक्सीनेशन लगवाई है और गवर्नमेंट द्वारा स्वास्थ्य विभाग ने ये अच्छा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए फसलों का बीमा कराने के लिए किसान अब 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग ने प्रचार अभियान भी शुरू किया है। रेवाड़ी जिले के किसान इस योजना के तहत खरीफ की फसलों का बीमा करवा रहे हैं। कृषि अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा योजना के तहत निर्धारित फसल के लिए बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि तय की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक है और किसान अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं। है और किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए नज़दीकी जो हमारे CSC सेंटर हैं उन पे जाके या कंपनी के अधिकारियों के पास जाके अपना फसल का पंजीकरण करा सकते हैं। उसमें मेन हमारी 4 फसलें हैं जिसमें बाजरा मुख्यतः है, धान, कपास और मक्का। इन 4 फसलों का बीमा किसान करवा सकते हैं। किसानों ने कहा कि फसलों का बीमा कराने के बाद उन्हें फसलों में होने वाले नुकसान की चिंता नहीं सताती क्योंकि योजना के तहत उन्हें प्राकृतिक आपदा से फसलों में हुए नुकसान की भरपाई हो जाती है। ये बढ़िया स्कीम चल रही है, किसानों की भरपाई हो जाती है और सभी किसान भाइयों को ये बीमा करवाना चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है इसका हम फायदा ले रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम है। तो सरकार का इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ।
तो बार बार यही कहता हूँ, सभी किसान भाइयों को करवाना चाहिए। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में आज ही के दिन देश में मुंबई से निजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रेडियो से कार्यक्रम प्रसारित किया था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बधाई, प्रभावी संचार एक सक्षम माध्यम है और ये नागरिकों को सशक्त बनाता है। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 165वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मैं महान लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। लोकमान्य तिलक के विचार और आदर्श वर्तमान परिस्थितियों में पहले की अपेक्षा अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज 130 करोड़ भारतीयों ने आर्थिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से उन्नतशील आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती पर ट्वीट के माध्यम से उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि स्वराज व राष्ट्र के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर विचारक तथा ओजस्वी वक्ता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि भारत माता के सपूत चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर नमन। अपने युवा दिनों में उन्होंने देश को आजाद करने के लिए खुद को झोंक दिया था। वो एक भविष्यवादी विचारक भी थे और एक मजबूत और न्यायपूर्ण भारत का सपना देखते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि माँ भारती की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले चंद्रशेखर आजाद जी की वीरता युवाओं को देश के लिए अनंत काल तक प्रेरित करती रहेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अटल भूजल योजना के सफल क्रियान्वयन में सहायता हेतु 6 समूहों की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत DIPG ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करेंगे और पंचायत स्तर पर इसके क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। अटल भूजल योजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इसे मेरा पानी मेरी विरासत और सूक्ष्म सिंचाई जैसी अन्य जल संरक्षण योजनाओं के साथ जोड़ने के निर्देश दिए। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के कुल 14 जिलों को योजना के दायरे में लाया जाएगा। परियोजना के निदेशक ने बताया कि इसके तहत विभिन्न जल पंचायतें आयोजित की जाएंगी, जिनमें ग्रामीण अपने भूजल संसाधनों का स्वामित्व लेंगे और राज्य की टीम के परामर्श से भविष्य की कार्य योजना तय करेंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो में शुरू हुए ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। कहा, खिलाड़ियों को प्रदान की गई हर संभव सुविधाएं। प्रदेश में शुरू हुई 6 से 8 तक की कक्षाएं। स्कूलों में कोरोना के मानक नियमों का किया जा रहा है पालन। विद्यार्थियों ने भी स्कूल खुलने का किया स्वागत। दादरी जिले के 30 गांव में 100% कोरोना टीकाकरण के मॉडल पर अध्ययन कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने के लिए अब 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं किसान। कृषि विभाग कर रहा है किसानों को जागरूक। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें, और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।